আপনি দেখুন এইরকম একটা বাজে জিনিস দিয়ে কি এটা বানানো সম্ভব? छब्बीसवा ओवर अब शुरू होने को है। पाकिस्तान 75 4 विकेट के नुकसान पर। हरभजन लाल बाग छोड़ दे और मिस वाले क्रीज से बाहर आते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये शानदार सिक्सर लगा। गेंद सीधे पहुंच जाएगा फाइनल में, ये अब भी तय करना मुश्किल। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। पाकिस्तान के पास 2 विकेट मौजूद। जीत के लिए अब बस 6 रन की जरूरत। कप्तान ने शामी के हाथ बॉल थमाई। ये मेरे ख्याल से काफी सोची समझी हुई टीम है। शामी अब रनअप लेने के लिए तैयार और उनके सामने सईद अजमल। शामी ओवर द विकेट और ये गुड लेग डिलीवरी। अजमल के बैट को चूम कर मिनिस्टर को घर डाला। स्टेडियम में मानो विस्फोट हो गया है। अजमल को यकीन ही नहीं आ रहा। शामी को घेरे पूरी इंडिया टीम। पाकिस्तान का स्कोर अब 175 9 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर आखिरी बैट्समैन जुनैद खान, लंबे कद के बैट्समैन। दिल में जुनून सवार, चेहरे पे सवाल या निशान लिए पूरा पाकिस्तान। शामी की दूसरी गेंद फुल टॉस और गेंद सेकंड सिर से होते हुए सीधे बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। शॉट में कोई दम नहीं था। सिर्फ की शादी में 4 रन अपने 2 रन की आवश्यकता। भारत को चाहिए सिर्फ 1 और विकेट। शानदार नजारा, पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ। मैच अपने चरम रोमांच पर। शामी दमन छोड़ से जुनैद खान के सामने अगला गेंद डालते हुए शॉट पिच डिलीवरी और जुनैद ने पूरे जोर से बल्ला घुमाया। बल्ले का बाहरी किस्सा लेते हुए अब हवा में नीचे 3 फीटर गेंद काफी ऊंचाई पर और रैना ने हवा में उछलते हुए ले लिए शानदार कैच। भारत अब फाइनल में। शानदार नजारा सुजुकी क्या कहेगा। कोई बार नहीं, दिल वालों की हमेशा होती है जीत, कभी कोई हार नहीं।